सेलिब्रिटी से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम सब आपको लगातार फिल्मी बीट में देते आ रहे हैं। अब और भी कई सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है जो फिर से हम आज आपको बताने वाले हैं। मेरा नाम है सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। सो आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ खड़े हैं। इस वक्त हम हैं मुंबई में BKC में जियो वर्ल्ड ड्राइव के सामने। अब आपको बता दें कि जैसे कि इस बार बिग बॉस OTT का जो सीज़न है वो जियो सिनेमा पर आने वाला है, ये तो आप सभी जानते हैं। और कब आने वाला है इसकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक और प्रोमो सलमान खान का सामने आया है जिसमें ये अनाउंस किया गया है कि बिग बॉस OTT 17 से शुरू होने वाला है, 17 तारीख को शुरू हो जाएगा, ऑन एयर हो जाएगा। अब आपको एक और अपडेट देते हैं कि 15 और 16 तारीख तक जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो बिग बॉस के घर के अंदर चले जाएंगे, यानी कि शूटिंग शुरू हो जाएगी। और जो प्रीमियर है वो 17 तारीख को जियो सिनेमा में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। वैसे तो बहुत समय से बहुत सारे नाम जो है बिग बॉस को लेकर सामने आते जा रहे हैं। फाइनल कंटेस्टेंट्स कौन कौन से हैं इसको लेकर भी बहुत सारे जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। आप फिल्मी बीट में भी देख सकते हैं, लगातार आपको अपडेट्स मिलते जा रहे हैं कि कौन कौन शो में आने वाले हैं। सो पहले तो आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं जिनका एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन है और जो जिनकी पहले चलकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है। सो ऐसे कंटेस्टेंट्स इस बार हमें बिग बॉस OTT में देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि बहुत सारा मसाला हमें देखने को मिलने वाला है। और साथ ही इस बार तो सलमान खान OTT को होस्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती, वो सहन नहीं करते, वो डांट देते हैं। और बिग बॉस OTT में जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था अनसेंसर्ड होता है, बहुत चीज़ें जो है वो हम जैसे कि हम बिग बॉस के टेलीविजन वाले टेलीकास्ट में नहीं देखते हैं, लेकिन बिग बॉस OTT में हमें वो देखने को मिलता है। तो इस बार देखते हैं कि सलमान खान कैसे लोगों को हैंडल करने वाले हैं जहाँ पर इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज से भरे हुए कंटेस्टेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि किन किन का नाम ऐसा कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट कन्फर्म है। उसमें से है अविनाश सचदेव, इनके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि इनके एक्स हैं वो भी शो में देखने को मिलने वाली है। साथ ही पलक कुरस्वानी का भी नाम सामने आया है, अंजलि अरोरा का भी नाम हमने पहले भी आपको बताया है, अवेश दरबार भी शो में देखने को मिलने वाले हैं ऐसा भी कहा जा रहा है। साथ ही जिया शंकर आने वाली है शो में, सपना गिल, अध्ययन सुमन, ये सारे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। फैजो का भी नाम सामने आया है। अब देखना ये है कि कंफर्म कंटेस्टेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं। साथ ही एक और बड़ी अपडेट हमें ये मिली है कि ऐसा भी हो सकता है कि सरप्राइज़ कोई कंटेस्टेंट दे और सीधा हमें वो प्रीमियर के दिन टेलीकास्ट के दिन देखने को मिले। सो ऐसे भी नाम के लिए आप रेडी रहिए क्योंकि बिग बॉस में इस शो में ऐसी हमेशा से हमने देखा ऐसी आदत रही है शो की कि एंड मोमेंट पे हमें काफ़ी सारे सरप्राइजेस मिले हैं जिनका नाम पहले रिवील नहीं हुआ है वो भी हमें देखने को मिले हैं। तो जितने नाम हम आपको बता चुके हैं ये सारे नाम ऐसा कहा जा रहा है कि कन्फर्म है, लेकिन अब देखना ये है कि इनमें से कौन कौन हमें शो में देखने को मिलने वाले हैं और कौन से ऐसे नाम हैं जो अब तक हमें पता नहीं है लेकिन शो में देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और फिलहाल हम BKC में खड़े हैं, जियो वर्ल्ड ड्राइव के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इसलिए हम खड़े क्योंकि जियो सिनेमा में आपको इस बार बिग बॉस देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, इस बार का सीज़न जियो सिनेमा में देखने को मिलने वाला है और बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। और सेट कैसा बनने वाला है, कब तक हो जाएगी इसकी प्रिपरेशन, ये भी हम आपको लगातार फिल्मी बीट में बताते रहेंगे। जैसे कि हमने आपको दिखाया था सेट के बाहर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 15 और 16 तारीख तक कंटेस्टेंट्स जो है वो अंदर चले जाएंगे घर के। 17 को प्रीमियर है शो का, जियो सिनेमा में आप देखने वाले हैं शो को। और भी जितने भी अपडेट्स हैं हम आपको लगातार फिल्मी बीट में देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।